हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉब्स अड्डा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एनेक्जर बी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसमें हमने आपके पहले वीडियो में ब्लड टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड आखिर है क्या, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ब्लड किस चीज़ से बना हुआ है, और हमने ब्लड से रिलेटेड और भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो वैसे ही आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। आखिरकार ब्लड हमारी बॉडी में करता क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, तो हम वन बाय वन ब्लड के फंक्शंस डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ ब्लड हमारा रहेगा आज का टॉपिक। सबसे पहला फंक्शन हमारा जो ब्लड का रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट जैसा कि आप सब जानते हैं, गाड़ी हमें क्या हेल्प करती है, हमें या हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें मदद करती है। वैसे ही ब्लड भी हमारी बॉडी में जो है वो एज ए ट्रांसपोर्ट एक्ट करता है। वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। अब होता क्या है, हमारी बॉडी किससे बनी है, हमारे सेल्स से, टिश्यूज से, ऑर्गन से। तो ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हमारे टिश्यूज प्रेजेंट हैं उनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और उसको ये लेके जाएगा हमारे लंग्स के पास, और ये क्या करेगा, लंग्स से हमारी ऑक्सीजन लेगा और उनको लेके जाएगा टिश्यूज़ के पास। अब टिश्यूज़ के पास जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तब तक वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो ब्लड जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को अगर टिश्यूज़ तक लेके जाएगा, उनको एनर्जी मिलेगी, तभी वो अपना आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो हमने फंक्शन डिस्कस किया ब्लड का, दैट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या है, ये आपके टिश्यूज हैं, ठीक है, और ये आपके हैं लंग्स। तो ब्लड क्या कर रहा है, आपका लंग्स से आपकी ऑक्सीजन को ले रहा है टिश्यूज के पास, और टिश्यूज से ये आपकी ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेके जा रहा है आपकी लंग्स के पास। तो ये हो गया इसका आपका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का। सेकंड फंक्शन जो हम इसका डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशन। तो ब्लड क्या हेल्प करेगा हमें, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये उनको हमारे ऑर्गन्स के पास, हमारे सेल्स के पास लेके जाएगा ताकि वो अपना काम आगे कर सके। सेकेंड फंक्शन हमारा आ गया न्यूट्रिटिव फंक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव फंक्शन आ गया हमारा, मैंने आपको क्या बताया, उसमें क्या करेगा वो, न्यूट्रिशन हमारा जो है वो हमारा लेके जाएगा ऑर्गन्स के पास ताकि वो अपना काम कर सकें। ठीक है, अब हमारी बॉडी में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, जो कि हमारी क्या है, डाइजेस्टिव कैनाल। ये क्या करेगा, वहाँ से आपके फैटी एसिड्स वगैरह उन सबको एब्जॉर्ब करेगा और इनको ये अपने वहाँ ऑर्गन्स के पास लेके जाएगा ताकि वो अपना काम कर सकें, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपना काम कर सकें। ठीक है, ये हमारी आ गई एलिमेंट्री कैनाल। वहां से ब्लड क्या कर रहा है आपका, ये आपका ब्लड है, ये आपके वहां से फैटी एसिड्स, आपका ग्लूकोस और भी जो आपकी बॉडी में चीजें हैं वो सब आपका ये लेके जा रहा है आपके ऑर्गन्स के पास। किसके पास लेके जा रहा है, आपके ऑर्गन्स के पास। ठीक है, ये उनके पास लेके जा रहा है ताकि वो अपना काम वहां पे कर सके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये हमने इसके दो फंक्शन डिस्कस किए, अब हम इसका थर्ड फंक्शन डिस्कस करेंगे, योर एक्सक्रीटरी फंक्शन।
थर्ड फंक्शन है इसका एक्सक्रीटरी फंक्शन। थर्ड इज योर एक्सक्रीटरी फंक्शन। जैसा कि हमने डिस्कस किया न्यूट्रिटिव फंक्शन में ये क्या कर रहा है, हमारे जो फैटी एसिड्स वगैरह हैं ये इन सबको कहाँ लेके जा रहा है, हमारे ऑर्गन्स के पास, ताकि वो अपना काम कर सकें। अब ऑर्गन्स अपना जब ये यूज़ कर लेंगे उसके बाद वो क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ करेंगे। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमने अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के तक कौन लेके आएगा, ब्लड। ब्लड जो है हमारे ऑर्गन्स में से जो है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट लेगा और उसको वो लेके आएगा किडनीज के पास, स्किन के पास और आपके इंटेस्टाइन्स के पास, ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक है, ये हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे, वहां से आपका ब्लड जो है वेस्ट मैटर लेगा आपका और ये लेके जाएगा उसको किडनी के पास, आपके स्किन के पास और आपके इंटेस्टाइन्स के पास, ताकि वो हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। ठीक है, ये हमने इसके तीन फंक्शन डिस्कस किए। क्या डिस्कस किया हमने, हमने सबसे पहला डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा हमने डिस्कस किया न्यूट्रिटिव फंक्शन, तीसरा हमने डिस्कस किया एक्सक्रीटरी फंक्शन। अब हम इसका फोर्थ फंक्शन डिस्कस करेंगे। फोर्थ फंक्शन आपका इसका आ जाएगा मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। अब ब्लड हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगा, हमारा ब्लड जो है ये मेनली आपका बना होता है आपके वाटर से, तो वाटर में क्या होता है आपकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना ज़्यादा बढ़ने देता है और ना ही ज़्यादा कम होने देता है, तो उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड रहता है। तो ब्लड क्या करता है, इन हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, ये ना उसको ज़्यादा बढ़ने देगा ना ज़्यादा कम होने देगा। तो फोर्थ फंक्शन क्या आ गया ब्लड का, मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर। Maintaining body temperature. All right? I hope ये आपको clear हो रहा है, मैं बहुत ही simple तरीके से पढ़ा रही हूँ। उसके बाद fifth इसका जो function आ जाएगा वो आएगा helps in your clotting mechanism. जैसा कि हमने blood की composition में पढ़ा था कि हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स रहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमने पढ़ा था आपके एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और एक हमने पढ़ा था उसमें फिब्रिनोजन होता है। जब मैंने आपको बोला था कि मैं इनके फंक्शंस आपको बाद में बताऊंगी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ऐसा ऐसा चीज़ें जो हैं वो लिंक्ड हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, आपके पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है और प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसमें क्या है, फिब्रिनोजन। अब वो फिब्रिनोजन बेसिकली है कहाँ, आपका ब्लड में है, तो ब्लड में फिब्रिनोजन क्या हेल्प करेगा हमारा क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग कहीं कट लग गया या कुछ भी है तो उसमें क्या है, वो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो रिलीज़ होगा, फिब्रिनोजन जो है वो रिलीज़ होगा, वो हमें किसमें हेल्प करेगा आपका क्लॉटिंग में। तो क्या है बेसिकली ब्लड हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो फिफ्थ फंक्शन इसका आपका आ गया आपका प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन में हमें कौन से केमिकल्स हेल्प कर रहे हैं आपके ब्लड के, योर प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स में आपका क्या आ गया, फिब्रिनोजन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे ब्लड के फंक्शंस। हमने जस्ट इसके जनरल फंक्शंस किए हैं, हमने इसके फाइव इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़े आज। पहला हमने आपका पढ़ा इसमें, पहला फंक्शन हमने इसमें पढ़ा आपका ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा न्यूट्रिटिव फंक्शन, आफ्टर दैट हमने थर्ड फंक्शन इसका पढ़ा एक्सक्रीटरी फंक्शन, फोर्थ फंक्शन था आपका मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर एंड योर लास्ट वाज योर प्रोटेक्शन।
ऑल राइट. अब हमने यहाँ पे फिब्रिनोजन का पढ़ा कि ब्लड जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हमें क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है. उसमें हमें कौन सा केमिकल हेल्प कर रहा है? आपका फिब्रिनोजन. तो इसी से रिलेटेड हम ब्लड का एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड. नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया आपका? योर क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड. इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊंगी. स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए. ठीक है, क्लॉटिंग बेसिकली है क्या? क्लॉटिंग है खून का थक्का बन जाना. ठीक है, होता क्या है, जब हमें कहीं लग जाती है, कट लग जाता है, तो वहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है. तो उसमें होता क्या है, बेसिकली हमारी जो कट लगता है उसमें हमारी जो ब्लड वेसल वॉल है, हमारी ब्लड वेसल्स क्या हैं जिसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है. हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है? ब्लड वेसल्स में. तो ब्लड वेसल्स जब कट लग गया, ब्लड वेसल की जो वॉल है वो इंजर्ड हो जाती है, उसको कट लग जाता है. तो उसमें क्या होता है हमारा, उसके बाद हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है. हम देखते हैं कि खून चलना स्टार्ट हो जाता है, बट हम देखते हैं कि विद इन 3 to 5 minutes हमारा जो खून चलना है वो बंद भी हो जाता है. तो ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है. इट हार्डली टेक योर 3 to 5 minutes जिसमें आपका ये सारा मैकेनिज्म जो है ये हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारा जो खून चलना है वो बंद हो जाता है. हमने उसी मैकेनिज्म को इसमें पढ़ना है कि आखिरकार उस 3 to 5 minutes के अंदर हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि हमारा जो खून चलना है वो बंद हो जाता है. तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में बेसिकली क्या हो गया आपका, इट इज़ अ सीरीज ऑफ योर फिजियोलॉजिकल इवेंट्स जिसमें आपका क्या है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो होती है. ठीक है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ योर फिजियोलॉजिकल इवेंट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होगा आपका, योर इंजरी टू द ब्लड वेसल वॉल. ठीक है, इंजरी हो गई, कट लग गया, तो दूसरा स्टेप उसमें क्या हो जाता है आपका, आपकी ब्लड वेसल वॉल जो है, ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है. तो सेकंड स्टेप हमारा आ गया कंस्ट्रिक्शन ऑफ योर ब्लड वेसल. ठीक है, सबसे पहले आपका आ गया योर इंजरी. सबसे पहले क्या आ गया आपका, इंजरी टू योर ब्लड वेसल. उसके बाद क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ योर ब्लड वेसल. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली स्लोली पढ़ा रही हूं ताकि आपको ये ना लगे कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी साइंस है, पता नहीं कितना मुश्किल है. उसमें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. अब इस इंजरी से लेके इस कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स के बीच में बहुत सारी इवेंट्स आपकी होती हैं. मैं आपको अभी पढ़ाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता से. उन इवेंट्स को हम बोलते हैं योर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस. क्या बोलते हैं उनको, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस. इन रिएक्शंस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छा अभी हम वापस इस पे आते हैं. आपकी इंजरी हो गई ब्लड वेसल वॉल की, आपकी कंस्ट्रिक्शन हो गई. कंस्ट्रिक्शन के बाद आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक टेम्प्रेरी आपका हीमोस्टैटिक प्लग बन जाएगा. टेम्प्रेरी हीमोस्टैटिक प्लग क्या बन जाएगा, वहाँ पे एक ढीला सा मेशवर्क बन जाएगा वहाँ पे आपका, जो आपको क्लॉटिंग में हेल्प करेगा. फिर वो आपका टेम्प्रेरी मैशवर्क जो है, हीमोस्टैटिक प्लग जो है वो आपका, वो टेम्प्रेरी के बाद किस में चेंज हो जाएगा, परमानेंट में. जब वो परमानेंट में चेंज होगा तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी. क्या बन जाएगा हमारा, टेम्प्रेरी हीमोस्टैटिक प्लग. टेम्प्रेरी के बाद क्या आ जाएगा आपका, परमानेंट हीमोस्टैटिक प्लग. ठीक है,
क्या हुआ, लग गई, कट लग गया, ब्लड वेसल वो वॉल आपकी जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई, वहाँ पे आपका टेम्प्रेरी हीमोस्टैटिक प्लग बन गया और उसके बाद आपका परमानेंट हीमोस्टैटिक प्लग बन गया। ये हो गया आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म का जस्ट आपका एक ओवरव्यू। अब हम इसमें मेन पढ़ेंगे आपका योर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। अब कैस्केड ऑफ रिएक्शंस में पढ़ेंगे कि हम आखिर मैकेनिज्म जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसमें होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फिब्रिनोजन उसमें हेल्प करता है, तो अभी हम उसका फिब्रिनोजन का रोल देखेंगे कि वो कैसे हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया योर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जो आपका फिब्रिनोजन जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में। फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होगा आपका, फिब्रिन में। ये आ गया आपका फिब्रिनोजन, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में। फिब्रिनोजन तो आपको पता है ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारा ब्लड में, प्लाज्मा में। ठीक है, अब इस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट होने में कौन सा एंजाइम आपको हेल्प करेगा? इसमें आपको एंजाइम हेल्प करेगा योर थ्रोम्बिन एंजाइम। अब आप पूछेंगे मैम वो कहाँ से आ गया, फिब्रिनोजन का तो हमें पता था कि ये ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट है, लेकिन थ्रोम्बिन एंजाइम कहाँ से आ गया? तो इसमें सबसे पहले हमें कौन हेल्प करेगा, योर थ्रोम्बिन एंजाइम। ठीक है, थ्रोम्बिन एंजाइम है। अब थ्रोम्बिन एंजाइम का हम देखेंगे कि वो कहाँ से आया। ये हमारे बॉडी में ऐसे प्रेजेंट नहीं होता, हमारे लीवर में आपका एक एंजाइम रहता है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रोथ्रोम्बिन। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके लीवर में। इस प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर जब आपके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स एक्ट करते हैं, वो इसको एक्टिवेट करेंगे और वो इसको कन्वर्ट कर देंगे आपके थ्रोम्बिन में। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये थ्रोम्बिन कहाँ से आ गया। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर आपके कौन एक्ट करेगा, योर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स। Your prothrombin activators will act on your prothrombin which is present in your liver. कहाँ present है वो, आपके liver में। वो prothrombin activator उस पर act करेंगे और वो उसको convert कर देंगे आपके thrombin में। फिर वो thrombin enzyme जो है वो आप क्या help करेगा, fibrinogen को fibrin में convert करने में। यहाँ तक clear हो गया, I hope कोई problem नहीं है। बहुत easy करके पढ़ाया है, step by step तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ, एकदम से नहीं, सारा ये नहीं है सारा चार्ट बना दिया और फिर आपको बोला कि हाँ आप देखो इसमें क्या है। स्टेप बाय स्टेप फिब्रिनोजन कहाँ से आया, प्लाज्मा से आया। फिर उसके बाद उस पर किसने एक्ट किया, आपके थ्रोम्बिन ने। थ्रोम्बिन कहाँ से आया, आपका प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ प्रेजेंट है, आपका लीवर में। उस पर एक्ट किया आपके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स ने और उसको आप किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके फिब्रिन में। बाकी वही है जो मैं आपको अभी बता रही थी कि आपका पहले क्या बनेगा, लूज मैशवर्क। मैशवर्क मतलब एक लूज जाल बनेगा, मैशवर्क मतलब जाल, एक लूज सा मैशवर्क बनेगा और उसके बाद वही मैशवर्क जो आपका वो है वो डेंस कन्वर्ट हो जाएगा। डेंस मतलब वो घना हो जाएगा। पहले वो खुला खुला सा मैशवर्क, खुला खुला सा जाल बनेगा। जाल क्या है, बेसिकली क्लॉट है, जो आपका क्लॉट बन रहा है। ठीक है, फिर वो जो लूज मैशवर्क आपका है वो एक डेंस मैशवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये डेंस मैशवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका क्या है, क्लॉट। क्लॉट जो है वो रिट्रैक्शन हो जाएगी उसमें। रिट्रैक्शन मतलब क्लॉट का जो साइज बन रहा होगा वो छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा वो। क्लॉट जो है रिट्रैक्शन होगी, क्लॉट सिकुड़ जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। वो कितना हो जाता है, कितना छोटा हो जाता है,
40% ऑफ योर ओरिजिनल क्लॉट साइज. ठीक है, क्लॉट जो है वो छोटा हो गया. कितना छोटा हो गया? 40% उसमें जो है वो कंस्ट्रिक्शन हो गई. जब वो क्लॉट आपका छोटा हो गया तो उसमें से क्या होता है, आपका सीरम निकलता है. सीरम क्या है? वाटरी फ्लूइड है. क्या होगा? क्लॉट छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो उसकी जो बाकी जो स्पेस होगी उसमें से क्या आपका पानी निकल जाएगा. ठीक है, सीरम निकल जाएगा. ये था आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म. और ये सब आपका कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है? आपका 3 to 5 minutes में. अब क्लॉटिंग से रिलेटेड एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा ब्लड अपनी ही बॉडी में क्यों क्लॉट नहीं होता है. उसका रीजन है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है हेपेरिन. हमारे लीवर में हेपेरिन एक आपका प्रेजेंट है केमिकल. वो आपका जो ब्लड है आपकी बॉडी में क्लॉट नहीं होने देता है. उसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो कॉन्टीन्यूसली आपका फ्लो करता रहता है. फ्लो करता रहता है तो हमने उसके फंक्शंस पढ़े कि वो क्या क्या हमें हेल्प करता है. न्यूट्रिशन, योर ट्रांसपोर्टेशन, योर न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, मेंटेनिंग योर बॉडी टेम्परेचर, एंड फिफ्थ इज़ योर प्रोटेक्शन. ये हमने उसके पढ़े फंक्शंस. उसके बाद हमने उसका पढ़ा क्लॉटिंग मैकेनिज्म. क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हमने क्या पढ़ा? आपका इंजरी टू द ब्लड वेसल वॉल, कंस्ट्रिक्शन हो गई, ब्लड वेसल वॉल कंस्ट्रिक्ट हो गई. वहाँ पे पहले एक टेम्प्रेरी प्लग बन गया आपका, टेम्प्रेरी सा वो क्लॉट बन गया, मेशवर्क बन गया. उसके बाद एक परमानेंट प्लग बन गया. ठीक है, उसके बाद हमने उसमें मेन पॉइंट आपका पढ़ा योर कैस्केड रिएक्शंस. तो कैस्केड रिएक्शंस का हमने पढ़ा कि कैस्केड रिएक्शंस में होता क्या है. फिब्रिनोजन का रोल पढ़ा हमने इसमें, ये इम्पॉर्टेंट है आपका फिब्रिनोजन का रोल. ठीक है, फिब्रिनोजन है आपका, वो कन्वर्ट हो रहा है आपका फिब्रिन में. उसको हेल्प कर रहा है आपका थ्रोम्बिन. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए. ठीक है, फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है. उसको कौन हेल्प कर रहा है? थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन कहाँ से आ रहा है आपका? प्रोथ्रोम्बिन से, जो कि आपके लीवर में प्रेजेंट है. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर उसको एक्टिवेट कर रहा है. फिब्रिन बनने के बाद आपका एक लूज मैशवर्क बन रहा है. उसके बाद वही मैशवर्क आपका डेंस हो जाएगा और फिर कुछ टाइम के बाद क्या है, क्लॉट रिट्रैक्शन हो जाएगी. जो आपका खून का थक्का बना है वो सिकुड़ जाएगा. उसमें से सीरम वाटरी फ्लूइड जो है वो निकल जाएगा और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी. और ये कितने टाइम पीरियड में होगा आपका? विद इन योर 3 to 5 minutes. आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, वेरियस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स आपके, जिसमें हम ABO पढ़ेंगे, RH पढ़ेंगे और योर MNN क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. और जो भी उससे रिलेटेड उसके टॉपिक्स होंगे वो हम साथ में ही कवर करेंगे. आज के टॉपिक में बस इतना ही था. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.